तो क्या हो अगर इतना मेहनत करने के बाद जब एग्जाम लिखने की बारी आती है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्वेश्चन लीक हो जाए। बहुत ही दुख के साथ मैं ये बात को शेयर कर रहा हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। एक्चुअली छोटी सी बात करनी थी आप लोगों से, इसलिए वीडियो को बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं सुबह सुबह का वक्त और कहीं पर जा रहा था, सो मैंने सोचा कि यहीं से बात कर लूंगा, शायद लोकेशन कुछ भी हो। गाइज, आप लोगों को पता ही होगा अभी चारों तरफ एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, सो जितने भी स्टूडेंट हैं अपना अपना गोल को अचीव करने के लिए स्टडी में व्यस्त हैं। तो गाइज, मैं अभी इसीलिए छोटी सी बातें करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो भाई बहन अभी टेंथ के एग्जाम को अपेयर कर रहे हैं। स्पेशली टेंथ का एग्जाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेंथ का एग्जाम अभी चारों तरफ चल रहा है। सो गाइज, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, प्लीज आप लोग इस वीडियो को ब्लॉग के तौर पर ना देखें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखें। आप लोगों को पता ही होगा गाइज, अभी चल रहा है सबसे बड़ा एग्जाम टेंथ का एग्जाम, और टेंथ के एग्जाम को सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेंथ के रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर कोई अच्छा कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है। उसके लिए दिल जान लगा के इस एग्जाम को, टेंथ का जो एग्जाम है, इस एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं। तो एक दिल से सलाम तो बनते ही है हमारा स्टूडेंट के लिए। तो हो सकता है गाइज, मेरा सब्सक्राइबर में से आप भी एक किसी स्टूडेंट का गार्जियन होंगे। हो सकता है आपका बेटा भी इस एग्जाम को लिख रहा होगा, आपका बेटी भी इस एग्जाम को लिख रही होगी, हो सकता है आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, इस एग्जाम को अपीयर कर रहे होंगे अभी। आप लोगों को पता ही होगा कितना महीने से आपका बच्चा कितना मेहनत कर रहा है इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर इतना मेहनत करने के बाद जब एग्जाम लिखने की बारी आती है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्वेश्चन लीक हो जाए। मैं बड़े दुख के साथ ये बात को शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम होने से पहले किसी भी क्वेश्चन पेपर का लीक हो जाना बहुत ही बुरा बात है, और इन्होंने भी गाइस क्वेश्चन पेपर का लीक किया है, ये बहुत ही दुखद बात है। उनको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, और उनको तो पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। यानी गाइस, एक स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम का सामना करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को पता ही होगा, और दिन रात एक कर देना पड़ता है, तभी जाकर अच्छा मार्क आता है, तभी जाके अच्छा रिजल्ट आता है, तभी जा बनता है और अच्छा कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिलता है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी इस तरीके की घटना हुई थी, एग्जाम से पहले क्वेश्चन पर लीक हो गया था, और गाइस फेमस यूट्यूबर वर्दीप राणा ने भी जो वर्ल्ड टूर पे है, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर बातें करी थी। तो और जिन्होंने भी ये काम किया है उनको तो पनिशमेंट तय है। तो एनीवे का इस तरीके का काम तो नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि सभी के घर में बच्चे होते हैं, सभी लोग दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम का सामना करने के लिए स्टूडेंट दिल जान लगा देता है अपना गोल को अचीव करने के लिए। सो गाइज, आप लोग समझ सकते हो स्टूडेंट का दुख पीड़ा, और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर लीकेज हो जाना स्टूडेंट के साथ साथ, मतलब कभी कभी गार्जियन भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, अब मेरा बच्चा का क्या होगा, सोचना भी चाहिए क्योंकि दिन रात एक करके आपका बच्चा इतना मेहनत कर रहा है इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए। सो गाइस, इस तरीके का काम होना बहुत ही दुखद बात है, और इस तरीके का जो लोग कर रहे हैं उनको तो पनिशमेंट तय है। सो मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, एक छोटी बात थी जो मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से। गाइस, फाइनली मैं जितने भी गार्जियन है सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, प्लीज अपना बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।